वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, मैं यहाँ मूली के पराठे के लिए मेरे खेत में ही मूली लगा हुआ था, तो बस वहाँ से मूली ले आया 4-5 ठो, उसको अच्छे तरीके से धुला, फिर उसे छील लिया। छीलने के बाद यहाँ पे घिस लिया है कद्दूकस में। घिसने के बाद यहाँ मैंने आटा लिया, उसमें हल्दी, थोड़ा सब्जी मसाला डाला है, कसूरी मेथी डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है, और हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा डाला मैंने। और उसके बाद जो मूली मैंने कद्दूकस किया था उसको आटे में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके फिर एक डो तैयार कर लेना है आटे का। उसके बाद यहाँ मैंने रोटी मतलब पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत ही अच्छी टेस्टी, मतलब तेरा बहुत ही टेस्टी बना था पराठा, मज़ा आ गया था खाने में। यहाँ गर्मा गर्म पराठे बनके रेडी थे, तो यहाँ अपनी सासू माँ के लिए मैंने प्लेट भी लगा दिया था। प्लेट में मैंने पराठे दिए थे, कढ़ी था और मूली के पत्ते के साग थी। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती, लव यू।